हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल साइबर गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्मार्टफोन के बैटरी से जुड़े कुछ बात बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बैटरी का जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ में दोस्तों, आप लोग अपने फ़ोन को बार बार चार्ज करते हो वो चीज़ भी यहाँ पर कम हो जाएगा। दोस्तों, साथ में आपको कुछ टिप भी बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करोगे, और पर्सनली मैं उन टिप्स को फॉलो करता हूँ और मेरे फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी देर तक चलता है। इवन मैं यहाँ पर गेम्स भी खेलता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टिप नंबर वन की, डोंट यूज़ फ़ोन वाइल चार्जिंग। दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाए हो तो यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखना कि आपको उसे यूज़ नहीं करना है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि फ़ोन जो है वो ब्लास्ट कर जाता है या फिर फ़ोन जो है वो फट जाता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल सही है दोस्तों। जब हम लोग फ़ोन को चार्ज लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे फ़ोन के ब्लास्ट होने चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में अगर आप उसे यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपके बैटरी का जो लाइफ है वो कम हो जाएगा। डोंट चार्ज योर फ़ोन 100%। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को 100% चार्ज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने देखा होगा जब अपने फ़ोन को चार्ज लगाते हो तो आपका फ़ोन जो है वो 80% तक बिल्कुल फास्ट चार्ज होता है। देन इसके बाद 85%, 90%, 95%, 100% होने में से बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को 100% चार्ज नहीं करना है। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को 80 to 90% चार्ज रखना, बिल्कुल 100% चार्ज नहीं करना है। अगर आप चाहते हो आपके फ़ोन का बैटरी जो लाइफ है वो लंबे समय तक रहे, तो आपको अपने फ़ोन को 100% चार्ज नहीं करना है। बैटरी को 0% पर लाने के बाद चार्ज करना। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए तो उसे 20% पर ही चार्ज लगा दो, उसे बिल्कुल 0% होने तक वेट ना करें। इससे भी आपके फ़ोन का बैटरी का लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन है वो बिल्कुल 0% पर ना। टिप नंबर 4 है, बैटरी सेवर ऐप का यूज़ मत करो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि फ़ोन का बैटरी है वो लंबे समय से चले, तो ऐसे में आपको बैटरी सेवर का ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। प्ले स्टोर पर बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप आपको देखने को मिल जाएंगे बैटरी सेवर के नाम से। दोस्तों, ये ऐप्स क्या करती है, ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद जितने भी ऐप्स बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं उन सभी को स्टॉप कर देती है। साथ में दोस्तों, यही ऐप खुद जो है बैटरी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर आपको इन ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना है। अभी के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको पहले से ही बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप उन्हें यूज़ करके अपने बैटरी को बचा सकते हो। यूज़ ओरिजिनल चार्जर। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ओरिजिनल चार्जर से ही अपने फ़ोन को चार्ज करना है। हमेशा काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ोन को चार्ज करने के चक्कर में कोई भी चार्जर मिला फटाफट उसे चार्ज लगाते हैं। तो दोस्तों, ये गलती बहुत बड़ी गलती है, आपको ये नहीं करना है। आप जब भी अपने फ़ोन को चार्ज करना हो तो आप अपने फ़ोन के चार्जर से ही, और हो सके तो ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करो। इससे आपके फ़ोन का बैटरी है वो काफ़ी लंबे समय चलेगा और आपके फ़ोन का बैटरी का लाइफ है वो भी ठीक ठाक रहेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन सी गलती करते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।